लेकिन उससे पहले ये एक बेहद अहम खबर जो पश्चिम बंगाल से आ रही है, वहां खुद बीजेपी सांसद ने ये आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश हुई है, उन पर हमला हुआ है। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया है कि उन्हें मारने की कोशिश हुई है, उन पर हमला किया गया है और आरोप टीएमसी पर लगा। और ये ऐसे में तब बेहद अहम है जबकि कल ही एक बीजेपी नेता बाबू मास्टर पर हमला हुआ है, गंभीर हालत में वो अस्पताल में भर्ती हैं और बीजेपी के नेता लगातार इस बात का आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं, सीधे ममता बनर्जी पर, कि वहां राज्य में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और इसीलिए एक के बाद एक बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। और इस वक्त बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगन्नाथ जी, जो हमला आप पर हुआ है, किसने ये हमला किया है, क्या पुख्ता तौर पर आप जानकारी दे सकते हैं न्यूज 18 इंडिया को? वो जो ड्राइवर को पकड़ा गया उनका तो परिचय पत्र नहीं दिखाया, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखाया। वो मेरा ड्राइवर और सिक्योरिटी के तत्परता से मैं बाल बाल से बांध गया जी। लेकिन उसके बाद तो पुलिस के ऊपर उनका दे दिया। वो तो पहले ही मेरा पर हुमकी धमकी आ रहा है, मुझे मर्डर केस के देकर फंसाने की कोशिश किया और सारी लॉकडाउन में 10 से 12 केस डाला, वो भी रोक न पाए, इसलिए मेरे ऊपर हमला होंगे। इस रकम कोई मेरा मुझे बुलाया जो हमला हो सकते आपका ऊपर। जगन्नाथ जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने पुलिस में इसकी शिकायत की थी, किन लोगों के खिलाफ आपने ये शिकायत की थी, किन से आपको खतरा था, डर था? हाँ, वो तो शिकायत पहले तो नहीं किया, लेकिन वो जो कोशिश किया गतकाल नेक्स्ट डे, वो इसके ऊपर तो केस दर्ज करने के लिए जिम्मेदारी ले लिया। और उधर का हमारा युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट, नाइट बहुत ज्यादा हो गया, मैं घर आ गया उसको।